श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा इन शास्त्रीय भाषाओं में ही है। अगर हमारे छात्रों को, युवाओं को प्राचीन भारतीय ज्ञान भंडार देखना है, पढ़ना है, सीखना है, तो इन प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं को सीखना चाहिए। एनडीपी 2020 में जो शास्त्रीय भाषाओं के शिक्षा का प्रोत्साहन करने का, इसकी व्यवस्था करने का जो संस्तुति है, उसके क्रियान्वयन के लिए इन सभी भाषाओं को, मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना, ये इससे बहुत मदद मिलेगा।